वेलकम टू होम टेस्टी फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं कोल्हापुरी पनीर। पनीर की एक और बेहतरीन रेसिपी, जितनी खाने में अच्छी लगती है उतनी ही बनाने में भी आसान है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है मसाला बनाने के लिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कोल्हापुरी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया लिया है यहाँ पर, और 1 चम्मच साबुत जीरा लिया है। खसखस ली है 2 चम्मच, 3 से 4 हमने यहाँ पे लौंग ऐड कर दी है, और काली मिर्च कम खाते हैं तो ज़्यादा नहीं ली है, 4 से 5 ही ली है, और 4 छोटी इलायची ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं और बड़े साइज़ टमाटर लिए हैं। दोनों को हमने फाइनली चॉप कर लिया है, इससे मसाले में एकदम अलग जायका लगता है फाइनली चॉप करने से। अब यहाँ पर मैंने ग्रेटेड कोकोनट लिया है फ्रेश, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है, 3 से 4 लाल मिर्च, जिंजर, दालचीनी का 1 पत्ता, और ये दालचीनी के छोटे से टुकड़े हैं, और ये 4 से 5 लहसुन ली है, और बड़ी इलायची जावित्री ली है, ये जावित्री है, और ये है चक्री का फूल। तो इतना सब लगता है कोल्हापुरी मसाले में। सबको हमने ड्राई रोस्ट करना है अच्छे से, जब तक इनकी महक किचन में ना घूमे तब तक हमें इनको रोस्ट करना है। वैसे तो कोल्हापुरी मसाले में काजू नहीं पड़ते हैं, पर अगर आपको और भी जायकेदार और रिच टेस्ट चाहिए हो तो आप काजू डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो हमारे मसाले रोस्ट करके हो गए हैं, अब हम इन्हें मिक्सी में से निकाल लेंगे, फाइन पेस्ट करनी है। साथ ही में हमने जो ग्रेटेड कोकोनट लिया है, लहसुन लिया है, हरी मिर्च ली है, उसको भी रोस्ट करना है और मिक्सी में से निकाल लेना है। ये हम सब मसाले मिक्सी में डालेंगे और अच्छी सी पेस्ट निकाल लेंगे। उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा लिक्विड पेस्ट बनानी है। ये मसाला वेज और नॉन वेज दोनों भी सब्जियों के लिए सेम ही तरीका है बनाने का। अब हमारा कोल्हापुरी मसाला बन गया है, पेस्ट गाढ़ी है, मस्त बना है। इसे हम ठंडा होने देंगे, तब तक हम ग्रेवी बना लेंगे। सबसे पहले तो कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसके बाद हम उसमें प्याज डालेंगे फाइन चॉप किया हुआ। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें प्याज को भूनना ही होगा, 5 मिनट तो लगते हैं कलर आने में। तो ये लाइट ब्राउन गोल्डन कलर आ गया है हमारे प्याज को। अब हम इसमें डालेंगे मसाला, जो हमने कोल्हापुरी मसाला बना के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है भूनते वक्त। मसाला ऐड करने के बाद आपको गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, और कम ही फ्लेम पर इसको भूनना जाएगा अच्छी तरीके से, मतलब तकरीबन 5 मिनट तक आपको इसको भूनना है। थोड़ा सा कलर में चेंज दिखेगा, थोड़ा डार्क ब्राउन सा दिखेगा। तो देखिए हो गया है। अब हम इसमें फाइन चॉप टमाटर डाल देंगे हमारे, और उसको सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी भी लो ही रखनी है, और फिर हम इसको 10 मिनट तक पकने देंगे, उसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम पनीर के टुकड़े, तो यहाँ पे मैंने पनीर के टुकड़े अपने हिसाब से काटे हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ली है लाल मिर्च पाउडर 3 चम्मच, कश्मीरी हो तो बहुत ही अच्छा, और उसके बाद 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, और लास्ट में 1 बड़ा नमक का चम्मच। अब 10 मिनट हो गए हैं और हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं मसालों में। टमाटर को यहाँ पे अच्छे से गलाना बहुत ज़रूरी है, उससे उसका खट्टापन थोड़ा कम हो जाता है। अब हम इसमें सभी पाउडर ऐड कर देंगे जो हमने लिए थे, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और नमक। सबको अच्छा ऐसे भूनना है, और मसाले को भी पकाना ज़रूरी है। जब तक मसाला अपना ऑयल ना छोड़े तब तक इसे हमें हाई फ्लेम पे चलाते रहना है। मसाला दानेदार बन चुका है, तो हम इसमें अब डायरेक्टली पनीर के कट्स ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे पहले फ्राई कर सकते हैं तेल में, पर मैंने डायरेक्टली डाला है। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। ध्यान में रखिए, और कोई भी गरम मसाला इसमें अब ऐड नहीं करना है, क्योंकि कोल्हापुरी मसाला बनाते वक्त हमने बहुत से मसाले यूज़ किए हैं। मसाले बहुत स्पाइसी होते हैं, वो बॉडी की हीट मेंटेन रखते हैं। अब हमें पनीर को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करना है, और धनिया बारीक कटा हुआ वो भी उसमें ऐड करना है। आप चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता, और इससे तो टेस्टी बनता है,
धनिया के पत्ते के बिना कोई भी सब्जी अधूरी है। अब हम इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर आप राइस के साथ खा रहे हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है। बस अब ज़्यादा पकाना नहीं है। हो गई, बन गई है हमारी कोल्हापुरी पनीर की सब्जी, और इसे अब हम गरम गरम रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी डिश आपको, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।